रक्षाबंधन का यह पावन पर्व हमें अपने सामाजिक दायित्वों का बोध कराने का त्यौहार है, जहां हम पारिवारिक स्तर पर अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, वहीं समाज में हम अपने समस्त नागरिकों की रक्षा का भी संकल्प लेते हैं। न केवल नागरिक का, राष्ट्र की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। रक्षाबंधन देखा जाए देश काल परिस्थितियों सभी का सामंजस्य करते हुए सबको संरक्षित करने का मनाने का त्यौहार है। इस पावन पर्व पे आज यहाँ हमारी बहनों के साथ यहाँ इस त्यौहार मना कर मुझे अत्यंत खुशी हुई, तथा जनपद वासियों से मेरा आग्रह है, इस कोरोना काल में हम सभी संकल्प लें, न केवल हम अपने सुरक्षित रखेंगे बल्कि अपने परिवार अपने समाज को भी सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। धन्यवाद। इस त्यौहार में मेरे तीन भाई हैं और इनको मैंने राखी बांधी है, और इस महामारी में एक भी सामान नहीं आ पा रहा है, तो इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, और आज इस त्यौहार में मैं बहुत खुश हूँ और मैंने इन लोगों को राखी बांधी। भाई को राखी बांधा है, क्या मांग करती है अपने भाई से? क्या कि मेरी रक्षा करे, जब भी कोई कठिनाई हो हर परिस्थिति में मेरी मदद करें। और आज राखी का त्यौहार है तो मेरी बहनें मुझे राखी बांधती हैं, और मैं इसके बदले में उनकी रक्षा करने का उनको वचन देता हूँ। तो ये बहुत पवित्र त्यौहार है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहनें मुझे राखी बांध रही हैं, और लॉकडाउन की वजह से मैं उन्हें गिफ्ट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें पैसे दूंगा, तो लॉकडाउन के बाद या फिर जब भी वो खुलेगा तो वो जो चाहे वो अपने मन से खरीद सकती हैं।